उन्होंने ही मुझे चुनाव में खड़े रहने की प्रेरणा दी। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन जेठालाल गड़ा का बैकिंग है, उनके ही कहने पर आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं? जी हाँ। मेरी माँ तो एकदम धार्मिक वृत्ति की है और माय डियर बेना की शादी हो चुकी है। मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजाजी है, मुझे उन्हीं का बैकिंग है। और मेरे साथ जो ये लोग हैं उसमें से कोई दूध वाला है, कोई पस्ती वाला है, कोई स्त्री वाला है, ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे जानने वाले हैं। सुंदर जी, आप चुनाव में सबसे आखिर में खड़े हुए। जी हाँ। अब थोड़े ही दिन बाकी है। जी हाँ। इतने कम समय में आप अपना प्रचार कैसे करोगे? बिल्कुल, मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। मेरे चुनावी प्रचार की बागडोर माय डियर जीजाजी जेठालाल गड़ा और माय डियर बहना श्रीमती दयाबेन जेठालाल गड़ा ही संभालेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि वो कम से कम समय में अच्छे से अच्छा प्रचार करेंगे। क्यों जीजाजी, बराबर है ना? अच्छा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है नट्टू काका, सुंदर भाई इलेक्शन जीतेंगे? ऑफ कोर्स, कौन विदाउट सेइंग। सुंदर भाई जैसा हो। उठा उठा सुंदर, एक बार तो मेरा फोन उठा। क्या हो रहा है मेरे घर में? तैयार हो मैम? हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं मैम, आरती के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है मैम, आरती स्टार्ट कीजिए। अच्छा मतलब सुंदरलाल जी के बापूजी? नहीं, सुंदरलाल जी तो मेरे भाई है, ये मेरे ससुर जी है। अच्छा, यानी कि जेठालाल जी के पिताजी? जी हाँ। क्या मतलब? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। चाचा जी आपका नाम? चंपकलाल, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। तो दर्शकों, ये है महान जेठालाल गड़ा के पिताजी। आज आपके सामने खड़े हैं खुद जेठालाल गड़ा, एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पायर के मालिक, और इन्हीं की वजह से इस चुनाव में सुंदरलाल खड़े हुए हैं। तो जेठा जी एक बात बताइए, इस चुनाव में आपकी छवि पर्दे के पीछे से पूरा खेल रचाने वाले एक किंग मेकर के रूप में उभरी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, मैंने किसी को किंग नहीं बनाया है, इस पूरे वाक्य में मुझे बनाया गया है। देखा दर्शकों, इसे कहते हैं त्याग और समर्पण की जीती जागती मिसाल। सब कुछ इन्हीं के इशारे पे हो रहा है, फिर भी ये कोई क्रेडिट नहीं लेते। क्या नम्रता है। अच्छा जेठा जी एक बात बताइए, आपका विरोध पक्ष के बारे में क्या कहना है? अरे कौन सा विरोध पक्ष, क्या मुझे कुछ नहीं पता है।
देखा दर्शकों, जेठा जी इतने कॉन्फिडेंट है कि उनके लिए तो विरोध पक्ष जैसे है ही नहीं, विरोध पक्ष की तो वो गिनती भी नहीं करते। जेठा जी अच्छा एक बात बताइए मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकता, अभी आप जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। सर एक आखिरी सवाल। अरे भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आपके सवाल के जवाब मैं नहीं दे सकता, मैंने पढ़ा ही नहीं, कैसे आपको जवाब दूँ। आइए देखिए मैं इधर, चलो बांधना चलो, घर है मेरा, क्या लगा मेरा कहीं इधर घर में, क्या ये सब है, क्या हो रहा है? दया ये सुंदर क्या पागलपन कर रहा है? पागलपन और नहीं तो क्या? अरे ये राजकारण है राजकारण, इसमें हम जैसे लोगों का काम नहीं है। टोपू के पापा, मेरे विदा ने जब भी कोई नया काम किया है उसमें वो जरूर सफल हुआ है। अरे तो समझते क्यों नहीं है, राजकारण में उसका अनुभव क्या है? टोपू के पापा, भीरा भाई ने जब सोसाइटी का काम सुंदर भीरा को दिया तब भी आप ऐसे ही कह रहे थे, इसमें सुंदर का क्या काम, उसका रिपेयरिंग का क्या अनुभव है। लेकिन आपने देखा ना, सुंदर वीरा ने गोकुल धाम सोसाइटी को कितनी बढ़िया बना दी। इसी तरह अगर वीरा चुनाव में जीत गया ना, तो वो पूरे देश का इतना बढ़िया रिपेयरिंग करेगा कि बात ही मत पूछो। हाँ, अरे तू कौन सी बात कहाँ जोड़ रही है, क्या बोल रही है तू, सोसाइटी की रिपेयरिंग? हाँ सुंदर मामा। हाँ देता हूँ मम्मी को, देता हूँ मम्मी। मामा मामा का फोन है। सुंदर ये क्या कर रहा है तू? क्या टीवी न्यूज वालों को क्या नाम सुनाम बोल रहे तू? जो कुछ भी है मेरे जीजाजी ही है, मुझे मेरे जीजाजी का बैंकिंग है, चुनाव में जाने का रास्ता भी मेरे लिए मेरे जीजाजी ने ही चुना है। मैंने तुझे कब कहा कि तू चुनाव में खड़ा हो? माय डियर जीजाजी, उंगली खींच के चुनाव का रास्ता तो आप ही ने चुना था। देख ये चीटिंग है, उस वक्त मैंने तुझे साफ साफ पूछा था, तू पहले मुझे बता कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है, लेकिन तूने मुझे बताया ही नहीं। अगर तू मुझे बताता कि यह उंगली चुनाव की तरफ जाती है तो वो उंगली मैं खींचता ही नहीं, चुनता ही नहीं। अरे माय डियर जीजाजी वो सब छोड़ो और आप फटाफट कल अहमदाबाद आ जाओ, यहाँ पर बहुत सारे काम है, सब काम आपको ही करने हैं, चुनाव का फॉर्म भरने जाना है, प्रचार का अभियान शुरू करना है, अरे बहुत सारे काम है माय डियर जीजाजी। मैं दुकान छोड़कर नहीं आ सकता। अरे क्या जीजाजी, हमेशा दुकान की माला जपते रहते हो, थोड़े दिन के लिए दुकान बंद कर दो। नहीं रख सकता, मैं नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता माय डियर जीजाजी, यहाँ मैं पूरे मीडिया के सामने आपकी भर भर के तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजाजी ही है। और जब मीडिया को पता चलेगा कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ तो पूरे देश का मीडिया कहेगा कि जीजा ने साले की नैया डुबो दी। जिसको जो बोलना है भले बोले, मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। अब बेना को फोन दो। क्यों, क्या बात करनी है बेना से? बोलो बेना। ये माय डियर जीजाजी अहमदाबाद आने से मना कर रहे हैं। बेना तुम एक काम करो ना, तुम बापूजी से बात करो, बापूजी जीजाजी को समझाएंगे ना तो वो तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है वीरा, तो फिकर मत कर, हो जाएगा। अरे हाँ बेना, तुम मेहता साहब के पास गए कि नहीं? उनके पास से चुनाव के नारे और भाषण लिखवाने पड़ेंगे ना। वीरा तू चिंता मत कर, मैंने उनको बोल दिया है, अभी जाकर पूछ लेती हूँ। थैंक यू बेना, थैंक यू। अच्छा बेना, तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके वीरा, ऑल बेस्ट, बाय। ओके बाय बेना। बापूजी आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। क्या समझाना है? एक मिनट बापूजी, वीरा को कल से चुनाव प्रचार शुरू करना है, बहुत सारा काम है, वीरा को टप्पू के पापा की बहुत जरूरत है, पर देखिए ना टप्पू के पापा अहमदाबाद जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता, समझते क्यों नहीं है तू? अरे मेरा वीरा चुनाव में खड़ा हो रहा है और उसका सारा श्रेय वो आपको दे रहा है, फिर भी आपको नहीं जाना है? नहीं। जीजा बापूजी, बापूजी मैं सच में नहीं जा सकता, दुकान में बहुत काम है। बराबर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना बापूजी। अरे भाई वक्त पे अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा है? हाँ तो बहू तू जाने की तैयारी कर, जेठे अहमदाबाद आएगा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। चलो टप्पू के पापा। अभी क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ मेहता साहब के घर जाना है, उनको भाषण और नारे लिखने के लिए बोला है, तो आप जाके चेक कर लीजिए कि बराबर लिखा है कि नहीं। बापूजी हम लोग मेहता साहब के घर जाकर आते हैं। हाँ फोन करने वाली थी। वो नारे में तो सब तैयार है,
अरे बिल्कुल, मैं अभी आपको बस फोन करके बुलाने वाला था, तैयार हो गए सारे। सुनो जेठालाल, क्या बढ़िया लिखे, विकास पथ पर किसकी चाल, सुंदरलाल सुंदरलाल। जेठालाल सुनना, विकास पथ पर किसकी चाल, सुंदरलाल सुंदरलाल। कौन करेगा रोज कमाल, सुंदरलाल सुंदरलाल। आगे सुनिए, महंगाई का तोड़े जाल, सुंदरलाल सुंदरलाल। हर कोई होगा माला माल, सुंदरलाल सुंदरलाल। अब थोड़े अलग किस्म के, ये सुनिए, एक दो तीन चार, सुंदरलाल सुंदरलाल। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा काफी अलग होगा, सुंदरलाल नहीं हो सकता ना, ऊपर चार आ रहा है तो अलग होगा। एक दो तीन चार, सुंदर अपना सुपरस्टार। स्टार बटा दिया, वाह वाह। अपोजिशन जीरो है, सुंदर अपना हीरो है। अच्छा है ना दैव, अभी मैंने तारक को कहा था कि तूफान मच जाए ऐसे नारे लिखना। बराबर मस्त लिखा है। मैं तो सैम, बोलिए बोलिए। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ, क्योंकि आपका भाई जो ठहरा भाई। हाँ अगला सुनिए, गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। नहीं नहीं, अपन उसके लिए नारे लिख रहे हैं ना, उसको जिताने के लिए। पर हर जगह गली गली में शोर है, मैं तो यही बोलते हैं ना, तो आपने कुछ अलग लिखा है। अरे अलग लिखा का क्या मतलब है भाई, सुंदरलाल के अपोजिशन वाले ऐसा बोल सकते हैं, अगर वो भी बोलना गलत है किसी को भी ऐसा, लेकिन हम लोग तो सुंदरलाल के पक्ष में नारे लिखेंगे ना, चोर कैसे लिखेंगे भाई जेठालाल। अच्छा सुनाइए, क्या अलग लिखा है। ना सुनो, गली गली में शोर है, सुंदर में जोर है। कैसे लगे नारे बताइए। वाह वाह मस्त लिखा है, मैं तो साहब इन सारे नारों से तो अहमदाबाद में धमाल मच जाएगी। ओ थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है दया भाभी, घर की बात है। आपका भाई यानी कि हमारे परिवार का सदस्य हुआ ना, और वो चुनाव लड़ रहा है, तो कलम के जोर से कुछ ऐसा करेंगे कि उसे चुनाव जिता ही देंगे, यही सोच के नारे लिखे सारे। बिल्कुल बिल्कुल, देखना दया भाभी क्या वट पड़ेगा सुंदर भाई का। जेठा भाई, जेठा भाई, आप क्यों इतने टेंशन में हैं? नहीं वो कल अहमदाबाद जाना है ना, तो क्या सब दुकान का सेटिंग करना पड़ेगा ना, उसका थोड़ा टेंशन। हाँ नटू काका बोलिए। सेठ जी, I just call to say you don't worry, be happy। हाँ हाँ सेठ जी, be happy। मतलब आप अहमदाबाद जा रहे हैं ना? आपको किसने बताया? सुंदर भाई ने। सुंदर ने? हाँ, सुंदर भाई का अभी फोन आया था। सुंदर ने आपको भी फोन कर दिया? सेठ जी, सिर्फ नट्टू काका को ही नहीं, मुझे भी सुंदर भाई का फोन आया था, और उन्होंने हम दोनों को आपकी भलामण की। भलामण? हाँ सेठ जी, उन्होंने कहा कि जीजा जी इलेक्शन में मेरी मदद करने अहमदाबाद आ रहे हैं, तो आप दोनों दुकान संभाल लेना, और जब तक जीजा जी अहमदाबाद में है तब तक उनको दुकान का कोई टेंशन मत देना। मैंने भी कह दिया, सुंदर भाई आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, सिर्फ इलेक्शन पे फोकस कीजिए, दुकान की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे दुकान का मालिक मैं हूँ। पता है सेठ जी। तो फिर बागा तूने सुंदर को क्यों कहा, आप दुकान की चिंता मत कीजिए। ओके सेठ जी, अब मैं आपको भी कहता हूँ कि दुकान की चिंता मत कीजिए, मैं और बागा दुकान का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नहीं वो तो संभाल ही लेंगे, लेकिन बागा याद रहे मेरी गैरहाजिरी का फायदा उठा के वो बावरी बार बार दुकान में ना आए, काम पे ध्यान देना। डोंट वरी अबाउट बावरी सेठ जी, आई विल मेक श्योर के बागा का पूरा ध्यान काम पे ही रहे बस। एंड यू नो आई एम ए फैन ऑफ माई फ्यू वर्ड्स, ओवर एंड आउट। नट्टू काका आपने आउट बोला तो क्रिकेट खेलने का मन हो गया, खेले? Let us play, my boy. चल गया, हो गया। एक मिनट जेठालाल, एक और बढ़िया नारा हो गया, काम आएगा अपोजिशन के लिए कहने के लिए, मतलब सुंदर के अपोजिशन वालों के लिए, कि बाकी घर के अंदर है हीरो अपना सुंदर है। कैसा था भाभी? मैंने तो कहा था तारक एकदम अच्छा ही लिखना बस। चलिए अंजलि भाभी, अब मैं निकलती हूँ। वो क्या है अंदर जाने के लिए सब पैकिंग भी बाकी है ना? अरे पैकिंग करना बाकी है। दया भाभी अच्छी साड़ी पहनना, वट पड़ना चाहिए, और नारे अच्छे से छप्पा लेना। हाँ वो तो मैंने सोच के ही रखा है। अरे चल भाई, तू उठेगी तो चलेंगे ना। हाँ, हाँ। चलते हो करके तू तो उठ ही नहीं रही है, बैठ गई चिपक गई वहाँ पे। निकल जाऊंगा। थैंक यू। अरे देखा,
और कोई भी काम है तो फोन करना। हाँ हाँ दादाजी आप भी चलो ना अहमदाबाद, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बेटा, अरे भाई मैं वहाँ आके क्या करूँगा है, वहाँ चुनाव के प्रचार के लिए पूरा दिन धूप में घूमना पड़ेगा, तो अब इस उम्र में बेटा वो सब मुझसे नहीं होगा। और अगर मैं कहीं बीमार बीमार पड़ गया तो तेरे बेचारे सुंदर मामा को चुनाव छोड़ के मेरे पीछे लग जाना पड़ेगा है। एक काम करो तुम लोग जाओ, इसी बहाने मैं अपने दोस्तों के साथ शिरडी दर्शन करके आऊंगा। मम्मी मम्मी रुको मैं ले लेता हूँ, रुको रुको धीरे धीरे दिक्कत थोड़े भारी है। रुको पहिए है हाँ, अभी नहीं हिल रहा है। बस हम लोग अहमदाबाद हमेशा हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं? नहीं तो? तो इतना सारा सामान वो हमें पता नहीं है ना कि वहाँ कितने दिन लगेंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाए तो अच्छा है ना। नहीं बापूजी अरे बाप रे, ये सामान देख के तो लगता है दया का कम से कम एक महीना रहने का प्रोग्राम है। अरे मैं एक महीना दुकान से दूर रहा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे कुल में सुबह में 5-5 किलो गुलाब पहुंच जाने चाहिए, हार माला वो सब कुछ पहुंच जाने चाहिए, समझा? माय डियर जीता जी का फोन। हेलो माय डियर जीता जी, सब पैकिंग हो गई ना? अरे वो सब तू छोड़, तू मुझे ये बता, तुझे पता भी है ये तू क्या कर रहा है? क्या? अरे चुनाव में खड़े रहने के लिए तुझसे किसने कहा? बकाने, चकाने, जिग्नेश ने, प्रग्नेश ने, राजेश ने, आकाश ने, मेरे जितने भी दोस्त है सबने कहा इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अरे भाई तेरे दोस्तों ने तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और तू चढ़ गया। मेरी बात सुन भाई, राजकारण हम जैसे लोगों का काम नहीं है। माय डियर जीजा जी, सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो लोगों के लिए काम कौन करेगा? अरे जिसने अपने लिए कभी कोई काम नहीं किया वो लोगों के लिए कैसे काम करने वाला है? निस्वार्थ भाव से। मेरी बात मान, देख तू ये चुनाव का पागलपन छोड़ दे सुंदर, तेरी हार 200% पक्की है। माय डियर जीजा जी, लहरों से डरकर कभी नावड़ी पार नहीं होती और सुंदर की कभी हार नहीं होती। माय डियर जीजा जी, सुबह आप माय डियर बहना और टप्पू को लेकर अहमदाबाद आ जाना, कल से प्रचार का कार्य शुरू करना है। जय हिंद जय भारत। हे भगवान, अभी अहमदाबाद जाए बगैर और कोई चारा ही नहीं है। मम्मी पापा तो कब से गाड़ी में बैठ गए हैं? देखो। अरे हाँ बेटा भाई। अरे देखा टप्पू के पापा को अहमदाबाद जाने का कितना उत्साह है। मम्मी चलो चलो हम भी निकलते हैं, चलो जल्दी जल्दी। हाँ देखा बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादा। जय जिनेंद्र। हाँ दादा जी संभल के चला, संभल के। बाय 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 ब
हमारे देश में शादी की तैयारियों, चुनाव की तैयारियों में कई समानता है, बड़े काम करने पड़ते हैं। जैसे शादी में आपको कार्ड छपवाने होते हैं, घर घर जाके बांटने होते हैं, हॉल फिक्स करना होता है, कैटरिंग वाले से बात करनी होती है, टेंट वाले से बात करनी होती है, भाई क्या क्या पकवान बनेंगे ये सब तय करना होता है। ठीक उसी तरह चुनाव में भी भाई पर्चे छपवाने होते हैं, बांटना होता है, घर घर जाके प्रचार करना होता है, नारे लगाने होते हैं, रैलियां करनी होती है, पदयात्राएं करनी होती है, ये सब चीजें चुनाव में होती है। लेकिन अब ये करनी पड़ेगी मेरे परम मित्र जेठालाल को, क्योंकि भाई चुनाव में उनके साले टोपी बात सुंदर जो खड़े हुए हैं, भाई चुनाव में वो जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन जब जेठालाल, दया भाभी और टप्पू उनके प्रचार के लिए अहमदाबाद जाएंगे तो हंगामे तो होंगे, क्योंकि हमारे देश में चुनाव किसी हंगामे से कम थोड़े होते हैं। पर ये तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, यहाँ तो डबल हंगामे होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.